हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। कैसे हैं आप सभी? अच्छे से तैयारी चल रही है? आज हम बात करेंगे 11th एनसीईआरटी में चैप्टर 4th एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था फाइलम हेमिकॉर्डेटा। लास्ट दिसंबर आ चुका है, नीट की डेट तो बहुत पहले से हमको पता थी। आई होप आप सभी ने भगवान के नाम लेकर फॉर्म फिल भी कर दिया होगा, ठीक है? तो बिल्कुल जोर शोर से आप तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि 15 जनवरी तक, मतलब लास्ट जो भी आपको पढ़ना है, जितना आपने टारगेट किया हुआ है सिलेबस टारगेट करने से मेरा मतलब ये है कि 38 चैप्टर आपके 12th के, ठीक है? बायो में तो बिल्कुल कहीं भी कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर भी मैं ये बोलूंगी, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पहले ये टारगेट बनाओ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके बेस पे आप चैप्टर्स डिसाइड करो। कम से कम 15-15 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सकता है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि आप इसमें लापरवाही करें और आपको जो चैप्टर अच्छे लगते हैं वो पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या जो भी आपका गाइड है, ठीक, उससे ये डिस्कस करें कि हमको पहले क्या चाहिए, हमारा सिलेक्शन सिक्योर होना चाहिए, ओके? तो लास्ट 15th ऑफ जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए बार बार, और जनवरी तक कंप्लीट करते करते भी जो पुरानी चीजें हैं, एक बार 15-15 मिनट के लिए पिछले जो चैप्टर्स है, चाहे बायो है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, रिविजन में कहीं कमी नहीं करनी है, ठीक है? जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा वो चीजें आपके दिमाग में सेट होते जाएगी और वो चीजें आपका एग्जाम में टाइम बचाएंगे, ठीक? तो रिवीजन में कमी नहीं करनी है। इस बात को बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। एक फेलियर का एक्सपीरियंस ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो अपनी लापरवाहियों को ये बता के शेयर कर सकता है कि क्या आपको नहीं करना है। क्या करना है ये तो आपको सभी बताएंगे, लेकिन क्या नहीं करना है, रिवीजन में कमी नहीं करनी है, बार बार मैं ये बोल रही हूं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ओके? स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। तो जो भी आज आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे कहीं भी, चाहे घर पे, ठीक है? तो जो भी पढ़ रहे हैं, नया कुछ पढ़ रहे हैं, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, नया पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है, जब से आप स्टार्ट किया है आपने प्रिपरेशन, तो पुराना जो है फिर भी 15-15 मिनट के रिविजन आप लेते रहे हर टॉपिक में, हर चैप्टर के, ठीक है, सब्जेक्ट के बोलना चाहिए। स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा हम पढ़ चुके हैं। तो कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेट्स आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ, अब कैरेक्टर्स क्या क्या है इसके कॉर्डेटा की वो देखते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है? डॉर्सल मतलब आपके पीछे साइड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। डॉर्सली वेंट्रली, आप एनाटॉमी में जब नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस करेंगे तो वहां आपको पूरी एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी पे ही डिपेंड है, ठीक है? तो डॉर्सल साइड पे एक हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्सिट, ठीक है? तो जिनमें जो गिल से सांस लेते हैं उनमें पेयर्ड फेरेंजियल क्या होगी, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री हम डिस्कस करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, ये जो है जनरली बेसिक आपके कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आपको याद ही होंगे अभी तक। ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट है वहां से, कहां से ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन पूरी आ चुकी है एनसीईआरटी की, याद रखना है कि पजिस अ पोस्ट एनाल टेल, हिंदी में है गुदा पश्च पुच्छ, ठीक है? गुदा पश्च पुच्छ किस में प्रेजेंट होता है? पजिस अ पोस्ट एनाल टेल, तो ये आपके कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। तो कॉर्डेटा के जो भी एग्जांपल्स हैं उन सभी में ये आएगा, पोस्ट एनाल टेल, ओके? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई दो मत नहीं है इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम जो यहां से क्लोज है। डिवाइडेड इन थ्री सब फाइला, तीन सब फाइलम में ये डिवाइडेड है। अगर हम बात करें कॉर्डेटा फाइलम की तो इसको अंदर और हम डिवाइड कर सकते हैं, वो है आपका यूरोकॉर्डेटा, और इसी को बोला जाता है ट्यूनिकेट्स। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेट दोनों एक ही हैं। सेकंड है आपका सिफेलोकॉर्डेटा, थर्ड है वर्टिब्रेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? एक बार नाम आप अच्छे से ध्यान रखें, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट। यूरोकॉर्डेटा को ही ट्यूनिकेट्स बोला जाता है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स, ठीक है? अब बात करते हैं कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में जो आपका टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, कि इन दोनों में डिफरेंसेस बताया हुआ है, क्या डिफरेंस है यहाँ पे? नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें कैसा होता है, डॉर्सल होता है, मतलब पीछे साइड होता है, हॉलो और सिंगल नर्वस सिस्टम होता है। किसमें? कॉर्डेट्स में, ठीक है, हम आते हैं इसमें। नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वेंट्रल होता है, ये गैंग्लियन के रूप में रहते हैं, हम बात कर चुके हैं एनिलिडा में इसके बारे में, ठीक है। सीएनएस जो होता है वो वेंट्रल होता है, साइड वाइज होता है, कई बार गैंग्लियोनिक रूप में रहता है, सॉलिड और डबल दोनों साइड होता है, तो ये डबल रूप में होता है, ठीक है। ये चीज आप एनिलिडा में फिर से रिवाइज करेंगे तो समझ आ जाएगी। इसमें क्या होता है, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, इसमें गिल स्लिट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। हार्ट इज वेंट्रल, कॉर्डेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हार्ट जो है वो वेंट्रल होता है, और नॉन कॉर्डेट में हार्ट डॉर्सल साइड में होता है अगर प्रेजेंट हुआ तो, ठीक है। नॉन कॉर्डेट में हम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में देख चुके हैं वहां पे कि जो हार्ट है उसमें वो ऊपर की साइड होता है, ठीक है, डॉर्सल साइड में, उनकी पीठ के वाले एरिया में, ठीक है, डॉर्सल साइड में। फिर है पोस्ट एनल पार्ट, जो अभी हम बात कर रहे थे, पोस्ट एनल पार्ट या फिर टेल बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होती है आपके कॉर्डेटा में, और इसमें नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। ये जो टेबल है एनसीईआरटी के जितने डायग्राम्स हैं, टेबल से आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कम से कम ये चीज टेबल्स डायग्राम ये अपना फरवरी से स्टार्ट करना, ठीक है। लेकिन जो लाइंस है एनसीईआरटी की, जो नया पढ़ रहे हो साथ साथ पुराना पढ़ते रहना, बार बार मैं ये बोलूंगी, क्योंकि कम से कम 50 से 60 हजार बच्चे ऐसे होते हैं, लगभग 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बायो में 60 क्वेश्चन सही होते हैं, मतलब ये है कि पढ़ते सभी हैं, ठीक है। तो आपको बायो के 60 सही होते हैं, ये कंपटीशन इक्वली है। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा मेहनत करनी है, बायो में कम करनी है, क्योंकि हमको बनती है, ऐसी सोच नहीं रखना, इक्वल वेटेज देना है सबको, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये आपका 50% बनाता है, तो ये फटाफट अगर टिक होते जाए आपके नंबर इसमें, तो फ्री के नंबर है बिल्कुल, कि कम से कम टाइम लगे और टाइम यहाँ बचा के आप वो टाइम यूज कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, अभी हम बात कर रहे थे यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेट एक ही है, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेटा। अगर यूरोकॉर्डेटा और सिफेलो तीन हमने डिवाइड किया था सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को अगर हम एक साथ मिला के बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट। नाम याद रखना, प्रोटोकॉर्डेट। इसमें कौन कौन आ रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ओके। एक्सक्लूसिवली ये क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। याद रखना कि नोटोकॉर्डेटा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगी लार्वा की टेल में, किसमें, यूरोकॉर्डेट में। यूरोकॉर्डेट जो सब फाइलम है उसमें क्या हो रहा है, नोटोकॉर्ड सिर्फ प्रेजेंट होगी लार्वल की टेल में, वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन थ्रू आउट देयर लाइफ। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल रीजन तक पूरी लाइफ टाइम रहती है। ये डिविजन है या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, बिल्कुल ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यूरोकॉर्डेटा क्या बोल रहा है, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में, सेकेंड वाला जो सिफेलोकॉर्डेटा है, इसमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से टेल रीजन तक पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है, ओके। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा के, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। यूरोकॉर्डेटा ASD, यूरोकॉर्डेटा ASD, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, ओके। सेफेलोकॉर्डेटा ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को एम्फियोक्सिस एंड लेंसलेट भी कहा जाता है, सॉरी एम्फियोक्सिस और लेंसलेट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एक्सक्लूसिवली ये मराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्डेटा जो प्रेजेंट होता है लार्वल की टेल में, सॉरी सेफेलोकॉर्डेटा प्रेजेंट, इसमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होता है पूरी लाइफ टाइम, हेड से टेल रीजन पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये दो सब फाइलम जो है यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा वो कंप्लीट है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में, बाकी तो हम आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या है ये वर्टिब्रेटा, पजेसिस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ कब, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। इट इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट,
ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वर्टिब्रेट की, वर्टिब्रेट में कौन कौन आते हैं हम पूरी बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस एक थोड़ी सी जानकारी यहां से स्टार्ट कर लो ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। वर्टिब्रेट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये नोटोकॉर्ड होती है। फिर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद जब वो बढ़ता है बच्चा या ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस। हो सकता है कि वो वर्टिब्रल कॉलम कैसा हो, कार्टिलेजिनस हो या फिर बोनी हो, कुछ में कार्टिलेज के बना होता है कुछ में बोन्स के बने होते हैं। तो आपको याद रखना कि नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस्ड कर दी जाती है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में इन एडल्ट। एम्ब्रियोनिक के बाद एडल्ट आता है आपका, तो एडल्ट में ये चेंज कर दी जाती है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये लाइन आ चुकी है आपको याद रखनी है। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड था, ओके, तो नोटोकॉर्ड है तो मतलब ये क्या है, कॉर्डेट है, तो जितने भी वर्टिब्रल कॉलम वाले हैं पहले उनमें नोटोकॉर्ड थी, है ना, तो इसलिए बोल सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रल कॉलम वाले हैं उनमें कॉर्डेट थी, इसलिए बोल सकते हैं कि वर्टिब्रेट जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट हैं क्योंकि नोटोकॉर्ड थी उसमें, लेकिन जितने भी कॉर्डेटा हैं वो वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, किसके बारे में, कॉर्डेटा का, सब फाइलम जो यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेट जिसको बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल में जान रहे थे किसके बारे में, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। वर्टिब्रेट के बारे में जो डिविजन किया गया है जो है ये, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी प्रकार से अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल SRB साइंस। फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।